हे दोस्तों, तो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ झारखंड का स्पेशल फूड धसका की रेसिपी। झारखंड में बहुत फेमस है ये, हर घर में बनती है ये रेसिपी। और यकीन मानिएगा, झारखंड वाले जितना पसंद करते हैं ना, अदर स्टेट वाले भी अगर इसको ट्राई करेंगे ना, बहुत पसंद करेंगे। धसका के साथ में आलू चना की सब्जी खाया जाता है, और आलू चना की सब्जी बनाना उतना ही आसान है। इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा मसाले का यूज नहीं होता है, ये सिंपल तरीके से बनती है, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से बनती है। अभी होली आने वाला है, और होली में मैक्सिमम घरों में ये धसका की रेसिपी बनती है, तो मैंने सोचा कि इस होली आप लोग भी ट्राई करें। और सिर्फ फेस्टिवल में नहीं, कभी भी इस धसका की रेसिपी को बना करके खाया जाता है। ये सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत लजीज है, जो खाते हैं ना वो जानते हैं। तो अगर आप झारखंड से हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से स्टेट से देख रहे हैं, मुझे जानकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वेलकम है दोस्तों अपने चैनल एपीआर किचन में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने मेजरमेंट के साथ में पूरा प्रोसेस डिटेल में बताया हुआ है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो मैंने एक कटोरी लिया हुआ है मेजरमेंट के लिए, आप कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। तो मैंने यहाँ दो कटोरा मैंने चावल लिया है, और एक कटोरी से थोड़ी सी कम मैंने चना दाल लिया हुआ है, और उड़द दाल मैंने लिया हुआ है। उड़द दाल वैसे ऑप्शनल है, लेकिन आप लीजिएगा तो थोड़ा सा आपका जो रोटी है ना धसके की, वो थोड़ा सॉफ्ट बनेगा और टेस्ट भी अच्छा लगता है इससे। मैंने यहाँ पर 1/4 मैंने यहाँ पर उड़द लिया है, तो इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, चलिए अच्छा रहेगा। और मिनिमम 3 घंटे के लिए इसे हमें भिगो करके छोड़ देना है। तो मैं यहाँ पर आलू चने की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो मैं थोड़ा सा चना को भी भिगो करके रख दूँगी। धसका के साथ में आलू चने की सब्ज़ी रेगुलर बहुत ज़्यादा बनती है सबके घरों में, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं भी यही बना रही हूँ। तो देखिए, मैं 3 घंटे के बाद में मैं इसे तो देख रही हूँ चेक करके, तो वो देखिए अच्छे से फूल गया है ये। तो अब इसे चलिए हमें ग्राइंड करना है। तो आप देख रहे हैं पूरा क्लीन लग रहा है, अच्छा लग रहा है, फूल भी गया है। तो मैं इसे ग्राइंडर जार में डाल दूंगी, मैं इसे 2 बार करके ग्राइंड करने वाली हूँ। तो मैं थोड़ा सा इसमें अदरक डाल रही हूँ, 1 इंच के जैसे है, और 3-4 मैंने मिर्च लिया हुआ है। अब यहाँ पर ज़रूरी पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि जब भी हमें ग्राइंड करना है ना, तो पानी हमें हिसाब से डालना है, बहुत थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, एक ही बार में अब ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा। इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ा थिक होती है, तो पानी आप थोड़ा रुक रुक करके डालें, थोड़ा ग्राइंड कर करके, और एक ही बार में पूरा ग्राइंड नहीं करना है, थोड़ा रुक रुक के करना है। तो अब देख रहे हैं कंसिस्टेंसी थोड़ा सा मोटा है ना, तो आप देखिए किस तरह से लग रहा है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, बस इसी कंसिस्टेंसी में आपको ग्राइंड करना है। तो देखिए, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, छू करके, बिल्कुल भी दानेदार नहीं है, बिल्कुल फाइन पेस्ट। इसी तरह से आपको भी ये बनाना है, फाइन बिल्कुल रहने दीजिएगा, तभी देखिएगा उसका बहुत ज़्यादा खिला खिला बनेगा। तो चलिए इसे डाल देते हैं एक बर्तन में, उसके बाद जो बचा हुआ है ना उसे भी हमें ग्राइंड कर लेना है। तो इसमें मैं अदरक मिर्च नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हमें बैटर को मिक्स करना है एक साथ, तो इसमें मैं नहीं डाल रही हूँ, उतने में हो जाएगा। तो इसे भी उसी तरह से ग्राइंड कर लेंगे जिस तरह से मैंने पहले वाला को किया था, तो इसी तरह से फाइन कंसिस्टेंसी में इसको भी कर लेना है, पूरा लम्स नहीं रहना चाहिए, इस तरह से आपको पेस्ट बना लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पर उठा के दिखा रही हूँ ना, इस तरह से आपको दिखेगा, ये बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, बिल्कुल मीडियम है। और देखिएगा जिस तरह से ये बना है ना, आपको धसका के अंदर में जो बच जाता है वो भी नहीं बचेगा, बिल्कुल फूला फूला और खिला खिला धसका बनेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो इस तरह से आपको इसे भी डाल लेना है एक बर्तन पर, और इसे हमें 2 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए छोड़ देना है गाइस। तो मैं क्या करूँगी ना, थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दूँगी, स्वाद अनुसार आप नमक ऐड कीजिएगा, और इससे क्या होगा कि थोड़ा फर्मेंट जल्दी हो जाएगा, और नमक भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें। तो इस तरह से इसको मिक्स कर लीजिएगा नमक डाल करके, उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए। उसके बाद उसका बहुत ज़्यादा अच्छा ऐसे ही बनता है, तो उसका इसके बाद ही बहुत अच्छा खिला खिला फूला फूला बनता है। तो चलिए इसे रख देते हैं 2 घंटे के लिए। तो मैं यहाँ पर आलू चने की सब्ज़ी बनाने के लिए कुछ लहसुन लिया है मैंने, 15-16 कली होगा, एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, प्याज को मैंने फाइन काट लिया है, अगर आपको बड़ा कट करना है तो बड़ा भी कट कर सकते हैं, थोड़े मिर्च है,
और मैं यहाँ पर आलू बॉईल करके ली हूँ। और आलू को आप कट मत कीजिएगा, इस तरह से आप तोड़िएगा। जब इस तरह से तोड़िएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी जो ग्रेवी बनती है ना उसी से उसका जो हम खाते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा पतला होता है इसका ग्रेवी, तो इसी तरह से हमें करना है। तो आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली हूँ, ऑयल को गर्म कर ली हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा डाल रही हूँ और इसके साथ ही मैं प्याज डाल दूंगी। प्याज जब अच्छे से थोड़ा भुन जाएगा, इसी के साथ मैं थोड़ा सा इसमें जो मैंने रखा है अदरक लहसुन को कुछ करके और मिर्च साथ में डाल दूंगी। देखिएगा इस रेसिपी को बनाना बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसको इस तरह से हमें फ्राई कर लेना है, और इतना इजी मैं बता रही हूँ कि आप इसे इजीली अपने घर में खुद ही बना करके खा सकते हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा ये सारा भुन जाएगा तो इसके साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी हल्दी। थोड़ा फ्लेम को कम कर दीजिएगा, क्योंकि मसाला नहीं तो जल जाएगा। थोड़ा फ्लेम को कम ही रखिएगा। और इसके साथ मैं हल्दी डाल दी हूँ 1.5 चम्मच के जैसे। थोड़ा सा मैं यहाँ पर काली मिर्च डाल रही हूँ, बहुत अच्छा स्वाद आता है इससे। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर चाट मसाला डाल रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है इससे। और मैं यहाँ पर थोड़ा सा रेड चिली डाल रही हूँ। और तो यहाँ पर मसाला अच्छे से पक जाए इसके लिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर दे रही हूँ। और देखिएगा ये बहुत जल्दी पक जाएगा, क्योंकि तेल में भुन चुका था मसाला। और कम ही फ्लेम में रखिएगा तो अच्छा रहेगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा टमाटर ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं है, मैंने 2 छोटे साइज़ का टमाटर लिया था। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर नमक डाल देती हूँ, अच्छे से टमाटर पक जाएगा। तो जितना आपको ग्रेवी रखना है उसके हिसाब से आप नमक डालिएगा। और नमक थोड़ा कम भी होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं लास्ट में जो सीक्रेट बताने वाली हूँ उससे आपका टेस्ट ना बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। तो इसको चलिए पक रहा है, तब तक हमें बैटर को तैयार कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर बैटर में थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दी हूँ 1.5 चम्मच के जैसे। और इसमें मैं थोड़ा सा काली मिर्च ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा है। और यहाँ पर थोड़ा सा चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है चिल्ली फ्लेक्स तो डालिएगा, नहीं तो नहीं। और थोड़ा सा चाट मसाला है, और मैं यहाँ पे साबुत जीरा डाल रही हूँ, इससे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं डाल रही हूँ, और जो भी चीज़ आपको ऐड नहीं करना है आप मत कीजिएगा। तो मैं इस तरह से बैटर को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। लेकिन जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना गाइस, मेरे तरीके को आप फॉलो करके देखिएगा, आपका धुसका बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और यकीन मानिए मैं जो भी तरीका मैं बता रही हूँ, अगर आप पहली बार भी बनाएंगे ना तो आपका पहली बार में बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला धुसका बन जाएगा, और आप बहुत पसंद करेंगे, और आप रोज़ खाना पसंद करेंगे, इतना टेस्टी लगता है यह धुसका। तो देख रहे हैं कि बैटर हमारा कितना अच्छे से रेडी हो गया है ना। तो चलिए चेक कर लेते हैं हमारा आलू वाला मसाला कि हो गया है या नहीं। तो देख रहे हैं कि टमाटर हमारा पक गया है, तो बस इस स्टेज पे हम इसे चलिए अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें आलू और चना को डालना है। तो अब देख रहे हैं कि मसाला बढ़िया से पक चुका है, तो यहीं पर चलिए डाल देते हैं हमारा आलू और जो हमने चना रखा है उसे साथ में। तो यहाँ पर देखिए मैं आलू को डाल दे रही हूँ। आलू को मैंने तोड़ करके यूज किया हुआ है, तो इससे देखिएगा ग्रेवी में हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मैं चना भी साथ में डाल दे रही हूँ, और चना को अलग से आपको बॉईल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये इसके साथ ही बहुत अच्छे से पक जाता है। ये जो तरीका है ना सब्ज़ी को बनाने की, ये बहुत ज़्यादा ईजी तरीका है, और जो ठेले वगैरह में मिलते हैं ना उसका जो बोलते हैं ना बहुत टेस्टी लगता है, तो बस वो इसी तरह से बनाते हैं, एकदम तुरंत तुरंत बनाते हैं, और उनकी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे सब्ज़ी के साथ में धनिया पुदीना का भी चटनी खाया जाता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, अगर आप चाहें तो इसके साथ आप वो भी बना करके खा सकते हैं। तो मुझे जितना ग्रेवी चाहिए था मैंने यहाँ पर पानी करीब 1.5 कप के जैसे मैंने पानी डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो बस तुरंत हमारा इसके बाद बन करके तैयार हो गया है। तो मैं यहाँ पर ऊपर से हरा धनिया डाल दे रही हूँ कट करके। तो आप देखिए फाइनली हमारा आलू चना का सब्ज़ी कितना बढ़िया लग रहा है। बस इसी कंसिस्टेंसी में आपको रखना है इसका ग्रेवी को, क्योंकि इसका जो ग्रेवी होता है ना जब इसके साथ उसका हम खाते हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो बस ऐसे ही आपको आलू चने की सब्ज़ी आप तैयार कर लीजिएगा। तो फाइनली हमारा सब्ज़ी बनकर तैयार है, तो देख रहे हैं ना कितना बढ़िया लग रहा है। तो लास्ट में मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बताने वाली हूँ, इसके और भी टेस्ट बढ़ जाएगा और इसके साथ में और भी मज़ा आने वाला है धुसका खा करके। तो बस वेट कीजिए, तब तक चलिए धुसका बनाते हैं। तो तेल गर्म होने के बाद में थोड़ा सा आप ऐसे डाल करके देख लीजिएगा, अगर ये फूल जाता है तो हाँ आपका तेल
तैयार है उसका बनाने के लिए। तो आप देख रहे हैं, हाँ तो ये फूल रहा है, मतलब हमारा तेल तैयार हो गया है। तब देख रहे हैं ना, इसे निकाल देते हैं। चलिए तो बस इसी स्टेज में आप फ्लेम को मीडियम रखिएगा। हाई फ्लेम में उसका अच्छा नहीं बनता है, फूल नहीं पाता है, तो ये ज़रूरी पॉइंट है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप बैटर को डालिएगा बिल्कुल एक जगह ऐसे डालिएगा, इधर उधर नहीं होने दीजिएगा। तो आप देख रहे हैं मैंने इसी तरह से डाला है, और जब तक ये ऊपर ना आ जाए, थोड़ा देखिएगा ये अपने आप ऊपर आएगा। जब जैसे ही ऊपर आने लगेगा ना, थोड़ा सा इसके ऊपर में आप ऑयल डाल करके, या तो ये अपने आप फूल जाएगा, और अगर नहीं फूलेगा तो इसके ऊपर में थोड़ा सा आप इस तरह से ऑयल डाल करके भी इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस कीजिएगा ना, तो अपने आप ये देखिए उसका फूल जाएगा। ये बहुत सिंपल है, एकदम इजीली बन जाएगा। लेकिन हाँ, थोड़ा अगर आप पहली बार बनाएंगे तो आपको लगेगा कि यार मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। लेकिन जिस तरह से मैं बता रही हूँ ना, इसी तरह से आप ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपका दुस्का एकदम बनकर तैयार हो जाएगा। एक तरफ से हो जाएगा तो दूसरे साइड भी इसको पलट दीजिएगा, दोनों साइड से आप इसको थोड़ा पका लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा, हाँ ये रेडी हो गया है। तो मैं आपको दूसरा भी बना करके दिखाऊँगी अच्छे से, डिटेल्स आप देखिएगा गाइस, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो देखिए मैं डाल रही हूँ, ऐसे डालिएगा कि इधर उधर ना हो, बिल्कुल एक ही जगह डालिएगा स्ट्रेट। और मैं दूसरा भी डाल रही हूँ, तो आप देख रहे हैं इस तरह से आप डालिएगा, और फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखिएगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हाई हो जब हो जाएगा तो ये धुसका फूलता नहीं है। तो जैसे थोड़ा थोड़ा ऊपर आने लगेगा, तो देखिए मैं थोड़ा सा इस ऑयल डाल रही हूँ ऊपर से, तो देखिएगा पूरा फूल जाएगा ये। तब देख रहे हैं ना कितना बढ़िया फूल गया है। और दूसरा को भी मैं ऐसे ही करूँगी, जैसे ये थोड़ा थोड़ा ऊपर आ रहा है तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, जिससे कि उसका पूरा फूल जाएगा। तो देख रहे हैं ना, दोनों उसका हमारा फूल गया है। तो एक साइड से थोड़ा पकने देंगे, उसके बाद इसको पलट देंगे। अब इसे भी पलट देते हैं। चलिए, जब ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है ना, तो पलटता भी नहीं है जल्दी से, इतना अच्छा बनता है। तो देख रहे हैं ना, दोनों धुसका हमारा हो गया है। तो चलिए इसे थोड़ा होने देते हैं दूसरे साइड भी, और निकाल देते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा ब्राउन ब्राउन पसंद करते हैं, तो मैं भी थोड़ा ब्राउन ही पसंद करती हूँ, तो इसीलिए मैं इसे अच्छे से ब्राउन करके पका रही हूँ। तो देख रहे हैं कितना बढ़िया फूल गया है, हो गया है ना रेड। तो निकाल देती हूँ इसे। तो इसी तरह से मैंने सारे धुसका को बारी से बारी बारी करके बना लिया है। तो देख रहे हैं इसे भी, एक बार में आप तीन चार बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसी तरह से सारे धुसका को बना लिया है। तब देख रहे हैं ना कितना बढ़िया लग रहा है। मुझे पता है कि अगर आप लोगों ने शुरू से इसे फॉलो किया है ना, तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है। जिस तरह से मैंने बताया है पूरी डिटेल में प्रोसेस, आप पहली बार में ही बहुत बढ़िया धुसका बना सकते हैं गाइस। बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आएगी, अगर आपको लगता है कि अच्छा है, तो प्लीज़ गाइस लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो हमारा धुसका देखिए रेडी हो गया है ये भी। तो चलिए इसे निकाल देते हैं। एक बार मेरे कहने पे गाइस इसे आप ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा, और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो आप देख रहे हैं फाइनली मैंने सारा धुसका बना करके रेडी कर लिया है। तो मैंने कहा था ना कि सब्ज़ी में जो टेस्ट बढ़ाने का एक और तरीका है, तो मैंने ऊपर से ना थोड़ा सा हरा प्याज कट करके डाल दिया है, थोड़ा सा मिर्च डाल दिया है, धनिया पत्ता डाल दिया है। और हाँ, अगर आपका नमक थोड़ा उसे कभी कम लगे ना, तो काला नमक इसके ऊपर से आप यूज कर लीजिएगा, जीरा पाउडर वगैरह यूज कर लीजिएगा ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और इसके साथ खा के देखिएगा, आप यकीन नहीं करेंगे कितना बढ़िया भी लग सकता है आपका ये धुसका की रेसिपी। तो आप देख रहे हैं ना, मैंने फाड़ करके दिखा दिया है, अंदर से ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इतना सॉफ्ट बना हुआ है, और अंदर में बच जाता है ना वो भी नहीं बचा हुआ है, बिल्कुल बढ़िया बना हुआ है धुसका। तो जो मेज़रमेंट मैंने आप लोगों को बताया ना, उस बात का ध्यान रखिएगा, आपका धुसका भी ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल खिला खिला और बहुत सॉफ्ट। तो आप इस तरह से, आप देख रहे हैं ना कितना बढ़िया लग रहा है, तो इस तरह से बना करके खाइए, इन्जॉय कीजिए, और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी लेकर के, टेक केयर, बाय बाय।